ends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. तो भाई जैसे कि अभी अप्रोक्सीमेटली 5:30 हो गए और अभी हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे थे। कैसे दोस्त लोग मिले हुए हैं यार, हम अच्छा खासा गाड़ी में चल रहे हैं तो ये कहते हैं इतनी स्पीड में गाड़ी ठुकी तो क्या होगा। मतलब भाई बातें भी ढंग की नहीं कर सकते यार ये लोग, और ये कहता है ये इधर पे ये फ्रैक्चर हॉस्पिटल है, इधर पर आ जाएंगे। बलिनो जीरो स्टार है, हां जीरो है, नहीं जीरो जीरो तो नहीं है भाई, जीरो है, तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। खोल के देख लो आप, ग्लोबल एंड कैप पे नहीं थी भाई, कोई देख लो खोल के, ओपन या कॉर्नर सर्च, बलिनो इज जीरो स्टार है। सीएस सीएस तो चार हो गया, फोर हो गया, हां सीएस पर अपना भी बलिनो में है ना ब्रो। हां तो वो एवरेज कितना देती है कोई दे सकता भाई? सीएस का गाड़ी का मतलब पेट्रोल है तो वो देती है 9-10 का माइलेज बस, ये तो बस 9-10 का भाई, 1500 सीसी का इंजन, 9-10 का माइलेज, 17 दे रही है अभी, सोच गजब यार। बाकी पहुंच के दिखाते हैं, गंदी दिल्ली है ना, कौन सी बलिनो नहीं है, इको स्पोर्ट, इको स्पोर्ट भाई, इको स्पोर्ट कहां से गंदी लगते है, इतना प्यारा लुक तो है गाड़ी का यार। तो भाई जैसे अभी पता चला मेनली कि अभी हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स, तो यार पता है मेरा ना फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अपना रॉ रिएक्शन कैप्चर करूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब भोपाल में खुले कम से कम 2 से 2.5 साल हो गया है और दो जगह खुला है, दो आउटलेट है इसके, एक अपने 10 नंबर पे है और एक है अपने डीबी सिटी पे। तो अभी मेनली हम 10 नंबर वाले पे जा रहे हैं, अब देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। बाकी भाई बहुत लोग से रिएक्शन से मैंने बहुत, हाँ तो चुप तो रहे, तो रिएक्शन तो मैंने यार बहुत लोग के देखे यार, सुना भी है कि यार भाई पैसा बर्बाद ही है वो, अलग अलग सुना देंगे। तो भाई ये रहा अपना स्टारबक्स और अब हम जा रहे हैं, यहाँ से तो रश लग रहा है काफी। तो भाई आ गई अपनी 3 हॉट चॉकलेट, बाकी नाम नहीं लिखा क्या? पागल लिखा हॉट चॉकलेट में, ये भी वही बकवास कर रहा था, नाम नहीं लिखा हॉट चॉकलेट, नाम ठंडा लिखा पार्सल रहता था तो उसमें वो वाला लेता ना जिसमें नाम लिखते हैं, अभी वो ठंडा रहता है पूरे गले बैठ जाए, अभी रख लो फोटो तो 2 मिनट, इतनी जल्दी होती है। और चलो फोटो क्या फोटो कंपेयर करते हैं, सब लोग एक एक फोटो खींचो। तो भाई ये था मतलब टोटल 646 रुपीज़ की पड़ी थी, ये लिखा ये रहा, ठीक है 646। अभी हमारे ना बहुत सारे वर्डिक्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अंश का फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टारबक्स पे, कैसा था अंश? अच्छा था, इट वाज जस्ट लाइक अ बॉर्न वेटा। तो भाई इसका वॉशरूम वगैरह है, प्रीमियम सा है, अच्छा है, बढ़िया। ये सिंक है, पानी भी आ रहा है, सही है, इससे आ रहा है, हाँ सोप भी है, सही है भाई। ये डस्टबिन है ये रहा, और ये मैं हूँ यहाँ पे एक, हाँ अब आ रही है लाइट थोड़े घर पे है ना, बाकी घर पे आ जाते हैं तो लाइट नहीं आती, फिर अपन आ जा रहे हैं ना। ये अपना वो है टिश्यू पेपर, ये फाइल है।
तो भाई मेन अभी क्या है कि हम स्टारबक्स से निकल चुके हैं और जो था मतलब अपना मतलब जो अपना एक्सपीरियंस था ठीक था, इट वाज ओके नाइस था, बट फर्स्ट टाइम जो फिर एक भैया भी आए थे मेरे से पूछने की कैसा लगा सर आपको, तो मैंने उनको यार एक बात बताई कि यार भैया देखो मतलब जनरली मेरे को जो उसका टेस्ट लगा बॉर्नविटा जैसा लगा, तो उसने बोला थैंक यू सर आपके इतना जेन्युइन रिप्लाई के लिए, एक्चुअली जब मैं भी पीता हूँ जब हम भी बनाते हैं तो हमको भी सेम ही लगता है। मैंने कहा अच्छा, और बाकी भाई मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, एम्बियंस काफी अच्छा था उधर का, और अपना टोटल जो बिल था 615 रुपए का बना था, हमने 3 हॉट चॉकलेट ली थी और बाकी ठीक था यार ऐसे ही, बाकी अपना एक्सपीरियंस वगैरह था बढ़िया था, मजा आया, और बाकी भाई बस ठीक है, थोड़ा बहुत था यार आज का अपना ब्लॉग, और बाकी इधर तक देख लेते हैं भाई, थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।